किसकी बहन है? दुर्गा जी। बस हमारी है। मेरी बहन। हमारी है। मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार जिस दिन से दोस्त की डेथ हुई है उसके बाद ना अभी तक मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का दिल नहीं कर था, ना व्लॉग बनाने का, कुछ भी करने का दिल नहीं हो रहा था। लेकिन अल्लाह ताला ने आज हमारे घर में ना एक रहमत भेजी है जिसकी वजह से ना मेरा दिल किया कि आज व्लॉग बनाया जाए। उसकी वजह से थोड़ा सा मेरा दिल भी ठीक हुआ। ये वो मैंने पहले सोचा था अगर अल्लाह ताला ने चाचू को बेटा दिया तो उसका नाम अपने दोस्त के नाम पे रखेंगे, और अल्लाह ताला ने हमारे घर में बेटी दी, चाचू को मतलब बेटी दी, क्योंकि हमारी ना हमारी कोई बहन है ना वालिद साहब की कोई बहन थी। तो हम तरसते थे यार काश हमारी भी कोई बहन होती, तो इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा ना तरसते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक छोटी सी बहन दी और इसकी बहन हुई है, ये चाचू का बेटा है। और अभी चलते हैं सीधा हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल जाके देखते हैं अपनी बहन को। हॉस्पिटल आए थे, हॉस्पिटल में जरा हमारे साथ मामू भी बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। तो मामू आप सच से बताएं ये खाना किसने खिलाया है? ईमानदारी से जमील ने। इन्होंने इन्होंने आपने बाकी खिलाया? ये मिठाई लेके आया हूँ बेटा। बस ये मिठाई लेके आए वो भी मामू के कहने पे अच्छी होती है। देखो ये सस्ती जगह से कहीं से मिठाई ला के बेटा जा रहे थे, देखो 1500 की मिठाइयां किलो। अस्तगफिर मामू कितने की है? पैदाइश हुई अभी जरा चलते चले ऊपर। प्रेम साहब जी ने अपना हाथ छिलवा लिया, ये देखें और चलना। अभी मेरी और हुसैन की ऊपर से लड़ाई लगी है। हुसैन कह रहा मेरी बहन है, मैं कह रहा हूँ मेरी बहन है। किसकी बहन है? सही से बताओ। किसकी? हमारी। मेरी नहीं है। किसकी है वे? हमारी। मामू किसकी बहन है? दुर्गा जी। बस हमारी है। मैं जा मेरी बहन हमारी है। मेरी बहन है, मैं उसको साथ लेके जा रहा हूँ। तब आए ये जो हमारे से बात करो। तो नाम क्या रखोगे? नाम कौन रखेगा? मम्मा बड़ी मम्मा रखेंगी। हाँ चले यार, अभी मेरी क्लास है काकी, मैंने खाली तस्वीर भी देखी है, बच्ची तो दिखा रही नहीं है, तो बहन को देखने का शौक तो है लेकिन क्या करें, क्लास से 2:30 बजे। तो अभी जरा चलते हैं यूनिवर्सिटी। से फ्री होने के बाद दोबारा अभी मामू के घर आया हूँ, क्योंकि मैंने कहा मामू के घर जाते हैं, वहाँ बैग वगैरह रखते हैं और फिर जाते हैं हॉस्पिटल। तो अभी जाते हैं हॉस्पिटल, देखते हैं बच्ची को देखने देते हैं नहीं देखने देते हैं। और देखने दे रही है तो आपको भी दिखा देंगे, लेकिन उसके मुँह के ऊपर एक टैग लगा के, क्योंकि अभी इंशाल्लाह फेस रिवील नहीं करेंगे ना दिखाऊंगा व्लॉग के अंदर, क्योंकि पहले ही घर के अंदर एक मासूम सी बच्ची यही है, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा काम नहीं करना। चलते हैं अभी जरा हॉस्पिटल जाके देखते हैं। तो जी मैं अभी हॉस्पिटल से घर आया हूँ, और हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे बच्ची को भी देखने दिया, और माशाल्लाह से बच्ची बहुत ही प्यारी थी। पहले तो मेरा दिल था मैं उसके कानों में अजान दूँ, जब मुझे चाचू ने कहा अजान देगा, मैंने कहा मैं अजान दूंगा, तो मुझे उस बात पर बड़ा गुस्सा है। डॉक्टर कहता है अजान इस तरह से देनी है, तो मैंने कहा भाई अजान जिस तरह देते हैं उसी तरह देनी है। डॉक्टर कहता नहीं इस तरह घुमाना है, फिर यूं करना है, तो फिर यूं करना है, तो फिर इकामत करनी है। तो फिर मैंने कहा यार चलो ये जो भाई साहब खड़े हैं साथ वही दे दें, क्योंकि वो भी कोई मौलवी टाइप थे, तो मैंने कहा चलो वही दे दें। उसने मेरे सामने अजान दी सीधी सीधी, जिस तरह अजान हम देते हैं मस्जिद में वही वाली उसने अजान दी, और मैं मुझे भी वो अजान अच्छे तरीके से आती थी। फिर मुझे उस बंदे पे उधर खड़े होकर ना बड़ा ही गुस्सा आया, मेरा दिल करता उसको पकड़े कुटूं, मैं भी अजान दे देता अच्छी सी और वीडियो बन जाती। तो चलें अभी ज़रा दादा अबू की कॉल आई है, दादा अबू की कॉल सुनवाते हैं आपको। दादा अबू को मामू जरा मुबारकबाद देने लगे हैं, तो पहले वो सुने तो फिर आपसे उसके बाद मिलते हैं। बहुत मुबारक हो इन्हें, जमील नहीं बच्ची नहीं बहुत बहुत मुबारक हो इन्हें। चलो अल्लाह पाक ने चलो करम आया, चलो अल्लाह बची रही थी। शुक्र अल्लाह पाक ने करा। बस बेहतर ही ठीक है अल्लाह ने। जी जरा दादा अबू से बात करवाने के बाद हम चले गए थे शॉपिंग पे, मैं और सामा भाई। तो हम ज़रा पेंटें शर्ट्स वगैरह ख़रीद के लाए हैं, तो अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम ज़रा बाहर हमने व्लॉगिंग क्यों नहीं की, क्योंकि आपको पता है आजकल बाहर के हालात बड़े ख़राब हैं। तो बाहर आपको जैसा कि पता है मोबाइल स्नैचिंग वगैरह बहुत ही आम हुई है। मैं अपने आईफोन को ना बाहर यूँ करके निकालना नहीं चाहता था, और यूँ करके किसी को छंडा मारने दे नहीं सकता था, इस वजह से मैंने सोचा कि मोबाइल निकाल के बाहर व्लॉगिंग नहीं करेंगे, जो चीज़ें ख़रीद के लाएंगे वो घर ला के दिखा देंगे, और लुट गए हैं यकीन करें। ये देखें ये आपके भाई ने देखें शर्ट्स लिए हैं, 1 2
ये मेरी माँ भी देखेगी और मेरी माँ मुझे सही करके जलील भी करेगी। ये देखें तीन शर्ट्स ली हैं। प्राइस उसामा भाई ज़रा बताएंगे आप ये कितने का है? नहीं ये ट्राउज़र एक लिया है उसामा भाई ने कहा वैसे हम इस तरह गंदे गंदे ट्राउज़र लेते रहते हैं इतने महंगे तो तू सही ले रहा है। तो इसके अलावा ये एक पेंट ली है और इसके अलावा ये एक शर्ट ली है। अब ये सब कुछ पता कितने का आया? कितने का आया? ये आया 9000 रुपये का। इसके अलावा एक ऐनक ली है वो आपको कल पहन के दिखाऊंगा जब शॉप की है। और ये पैंट ली है उसामा भाई ने अपने लिए और इतनी महंगी पैंट है कि स्पेशल 2500 की पैंट है ये। आप देख सकते हैं स्पेशल ब्रांड की पैंट लेते हैं, ब्रांड के अलावा ये लेते नहीं हैं। हमने तो लोकल दुकान से लिए, गरीब बंदे हैं। जब कोई बड़े थोड़े व्लॉगर बन जाएंगे फिर सोचेंगे। अरे ये तो नौकरी करते हैं कहीं से भी ले सकते हैं अपनी चीज़ें। चलें आज के ये व्लॉग था। और आज आपको पता है जैसे कि हमें बहुत खुशी है हमारे घर में एक नन्ही मेहमान आई। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग आज का मज़े का लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।